हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत बड़ों का आदर भी करते होंगे। हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका तरंग बाई अमित पब्लिकेशन से पाठ 7, जिसका शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। बच्चों, ये एक बहुत ही रोचक कथा है और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको भी ये कथा बहुत अच्छी लगे। बच्चों, आपने अकबर और बीरबल के बहुत से किस्से सुने होंगे, किन्हीं 4 किस्सों के आपको नाम बताने हैं और वो आपको लिखने हैं। ये आपका है गृह कार्य, तो चलिए पाठ प्रवेश। बच्चों, अकबर के दरबार में बीरबल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे कभी भी अन्याय होते नहीं देख सकते थे। इस कहानी में बीरबल ने एक व्यक्ति को न्याय दिलाया। आइए शुरू करते हैं। अकबर बादशाह विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वानों को सम्मान प्राप्त था। बीरबल भी उनमें से एक थे। वे बड़े ही चतुर व्यक्ति थे। वे समय समय पर बादशाह को उनकी गलतियों का अनुभव कराते रहते थे। वे मानते थे कि सबको न्याय मिलना चाहिए, उसमें छोटे बड़े का भेद नहीं होना चाहिए। एक समय की बात है, अकबर शिकार खेलने जा रहे थे। रास्ते में एक गांव पड़ा। जनवरी का महीना था, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। कोई कहानी सुना रहा था, कोई चुटकुला सुना रहा था। सभी अपने आनंद में मग्न थे। आनंद में मग्न मतलब सभी बहुत इंजॉय करते, सभी मनोरंजन कर रहे थे। जिस समय वहाँ से बादशाह निकले, उस समय एक ब्राह्मण लोगों से कह रहा था कि मैं इस सर्दी में भी यमुना नदी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। उसका नाम ब्रह्मदत्त था। उस ब्राह्मण का नाम क्या था? ब्रह्मदत्त। अकबर ने उसकी बात सुनी और वहीं रुक गए। वे सोचने लगे, भला इस कड़कड़ाती सर्दी में भी कोई कैसे यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। जो ऐसा करेगा वह ठिठुर कर मर जाएगा। इसलिए उन्हें ब्रह्मदत्त की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उससे पूछा, यदि तुम रात भर यमुना के पानी में खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें मोहरों की एक थैली इनाम में दूंगा। ब्रह्मदत्त ने खुशी खुशी बादशाह की बात स्वीकार कर ली। अगली रात ब्रह्मदत्त यमुना के पानी में खड़ा हो गया। बादशाह ने अपने कुछ सैनिक रात भर यमुना के किनारे पहरे पर लगा दिए। ब्रह्मदत्त रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा। वह सुबह होने पर अकबर के दरबार में गया। उसे जीवित देखकर बादशाह को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सैनिकों से पूछा कि क्या यह आदमी सचमुच रात भर यमुना में खड़ा रहा था। सैनिकों ने हाँ कर दी। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मदत्त से पूछा, तुम इतनी सर्दी में भी रात भर पानी में कैसे खड़े रहे? मतलब इतनी ठंड पड़ रही थी, कड़कड़ाती ठंड, उसमें तुम कैसे खड़े रहे? तो ब्रह्मदत्त बोला, महाराज, आपके महल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं रात भर उसे देखता रहा और पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, अब आई बात समझ में। मेरे दीपक की गर्मी की वजह से तुम आराम से ठंडे पानी में खड़े रहे। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तुम वापस जा सकते हो। बादशाह की बात सुनकर ब्रह्मदत्त को बहुत दुख हुआ। वह उदास होकर दरबार से चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि बादशाह ने इस व्यक्ति के साथ अन्याय किया है, इसकी सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार नहीं आए। बादशाह को चिंता हुई, कहीं बीरबल बीमार तो नहीं रह गए। उन्होंने बीरबल को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा। बीरबल ने कहलवा दिया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, जब पक जाएगी तो दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा। अगले दिन भी बीरबल दरबार में नहीं आए, वो नहीं पहुँचे। बादशाह सोच में पड़ गए और बोले, मैं स्वयं ही जाकर देखता हूँ बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। बादशाह बीरबल के घर पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपर ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। ये देखिए, ये ऐसे हांडी लटकी हुई है ऊपर,
और नीचे क्या है, आग जल रही है, इतनी लंबी जो बांस है इसके ऊपर खिचड़ी बन रही है, ठीक है, और नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने आश्चर्य से बीरबल से कहा, तुम्हारी हांडी बहुत ऊंची है, खिचड़ी नहीं पक सकती। तो बीरबल बोला, हुजूर अगर आपके महल के दीपक की गर्मी के सहारे कोई रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने अगले दिन ब्रह्मदत्त को दरबार में बुलाया, उसे सम्मान के साथ मोरों से भरी हुई थैली भेंट की। तो बच्चों ऐसे थे बीरबल, वो किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते थे, वो कुछ ना कुछ ऐसी तरकीब लगाते थे जिससे बादशाह को सही बात समझ में आ जाती थी, उन्हें सबक मिल जाता था, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता था। तो आशा करते हैं आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। और अब चलते हैं हम कठिन शब्द, विद्वान ब्राह्मण स्वयं, सम्मान ब्रह्मदत्त हांडी, चतुर सैनिक हुजूर, अनुभव जीवित और भेंट, न्याय आश्चर्य, मग्न और उपस्थित। ये थे हमारे कठिन शब्द। और शब्दार्थ, विद्वान का अर्थ है गुणी व्यक्ति, सम्मान का अर्थ है इज्जत, चतुर का अर्थ होशियार, अनुभव का अर्थ एहसास, भेद फर्क कड़कड़ाती का ठंड बहुत अधिक सर्दी, मग्न मतलब डूबे हुए, मोरों पुराने समय में चलने वाले सिक्के उसे क्या बोलते थे, मोहर, पहरे पर यानी निगरानी, जीवित यानी जिंदा, आश्चर्य यानी अचंभा, प्रकाश का अर्थ है रोशनी, वजह से यानी कारण से, उदास का अर्थ है दुखी, सहायता का मतलब मदद, उपस्थित का अर्थ हाजिर, स्वयं का अर्थ खुद, हांडी मिट्टी का एक बर्तन और भेंट का अर्थ है उपहार के रूप में दिया गया कोई वस्तु। और अब हम चल रहे हैं अकबर कहाँ जा रहे थे, हमसे प्रश्न पूछा है अकबर कहाँ जा रहे थे, अकबर शिकार को जा रहे थे। गांव के लोग आग जलाकर क्या क्या बातें कर रहे थे, गांव के लोग आग जलाकर कोई चुटकुला सुना रहा था, कोई कहानी कह रहा था, खूब सारी बातें कर रहे थे। ब्रह्मदत्त कौन था, ब्रह्मदत्त एक ब्राह्मण था। अकबर ने ब्रह्मदत्त को क्या दिया, अकबर ने ब्रह्मदत्त को मोरों से भरा हुआ एक थैला उपहार स्वरूप दिया। और अब हमसे पूछा गया है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना, जो सही है हमें सही का और जो गलत है हमें वो गलत बताना है। बीरबल व्यक्ति थे, बीरबल कैसे व्यक्ति थे, मूर्ख बेवकूफ चतुर या लालची, बीरबल एक चतुर व्यक्ति थे तो मैंने चतुर के आगे हमने सही का निशान लगा दिया। अकबर किसकी बात सुनकर रुक गया, बीरबल की, ब्रह्मदत्त की, दरबारी की या सैनिक की, अकबर ब्रह्मदत्त की बात सुनकर रुक गया। गांव के लोग आकर क्या जला रहे थे, खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, नाच रहे थे या युद्ध कर रहे थे, गांव के लोग आग जलाकर बातें कर रहे थे। हांडी कहाँ लटकी हुई थी, लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर, छत पर, दीवार पर या खूंटी पर, हांडी लटकी हुई थी लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर। तो यहाँ पे हमने सही के आगे सही का निशान लगा दिया। और अब है वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। अब जो वाक्य सही होंगे हमें उसके आगे सही और गलत के आगे गलत। बीरबल बहुत चतुर व्यक्ति थे, जी हाँ सही है। ब्रह्मदत्त दिन भर ठंडे पानी में खड़ा रहा, दिन भर नहीं खड़ा रहा था, वो रात भर खड़ा था, तो ये हमने गलत कर दिया। ब्रह्मदत्त को दीपक से गर्मी मिलती रही, जी नहीं, ब्रह्मदत्त को गर्मी दीपक से कोई गर्मी नहीं मिली थी, तो ये भी गलत है। अकबर विद्वानों का सम्मान करते थे, जी हाँ अकबर विद्वानों का सम्मान करते थे। अकबर ने ब्रह्मदत्त को मोहरों की थैली भेंट की, बिल्कुल सही है, उन्होंने ब्रह्मदत्त को मोहरों की थैली भेंट करी। और अब है किसने कहा, किससे कहा, मैं इस सर्दी में भी यमुना नदी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ, ये किसने कहा था, ये कहा था ब्रह्मदत्त ने। किससे कहा था, गांव के जो लोग थे उनसे कहा था, लोगों से कहा था। तुम इतनी सर्दी में रात भर पानी में कैसे खड़े रहे, ये किसने पूछा था, ये अकबर ने, अकबर ने कहा था। और किससे कहा था, ब्रह्मदत्त से।
मेरे गर्मी के दीपक की वजह से तुम आराम से ठंडे पानी में खड़े रहे। ये किसने कहा? ये भी अकबर ने कहा, और किससे कहा? ब्रह्मदत्त से। तुम्हारी हांडी बहुत ऊंची है, खिचड़ी नहीं पक सकती, ये किसने कहा? ये भी अकबर ने कहा, और किससे कहा? बीरबल से। तो अभी हमने क्या किया? अभी हमने कहा किसने कहा और किससे कहा, और अब हमसे पूछा गया है। अब हमें क्या करना है बच्चों? नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार सही क्रम में लिखना है। अब हमें इसे क्रमवाइज लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, तो ये हमने सबसे ऊपर लिख दिया, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। दूसरा है राजा ने कहा जो रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया राजा ने कहा जो रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे उसे इनाम मिलेगा। ये हमारा हो गया नंबर दो। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ब्रह्मदत्त रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा। यहां पे आ जाएगा ब्रह्मदत्त रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा। उसके बाद आ जाएगा बीरबल ने लंबे बांस के ऊपर हांडी लटकाई, नहीं बादशाह ने उसे कोई इनाम नहीं दिया। फिर आ जाएगा नंबर तीन, बादशाह ने उसे कोई इनाम नहीं दिया। ठीक, फिर है बीरबल ने लंबे बांस के ऊपर हांडी लटकाई, बीरबल ने लंबे बांस के ऊपर हांडी लटकाई। हांडी क्या होता है बच्चों? मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसको बोलते हैं हांडी। उसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद है अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई, अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। और लास्ट में क्या किया था अकबर ने? ब्रह्मदत्त को मोहरों की थैली भेंट करी। अकबर ने ब्रह्मदत्त को मोहरों की थैली भेंट की। तो इस तरह हमने इसको क्रमवाइज लगा दिया। फिर भी मैं यहां पे भी एक बार कर देती हूं। सबसे पहले है कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, ये आ गया नंबर एक।
दूसरा है राजा ने कहा जो रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसे इनाम मिलेगा। तीसरा है ब्रह्मदत्त रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा। चौथा है बादशाह ने उसे कोई इनाम नहीं दिया। पांचवा है बीरबल ने लंबे बांस से ऊपर हांडी लटकाई। छठा है अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। और सातवां है अकबर ने ब्रह्मदत्त को मोरों की थैली भेंट करी। तो इस तरह हमने ये सीक्वेंस लगा दिया। और अब हमसे गया प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले बीरबल कौन थे? बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री थे। ब्रह्मदत्त रात भर यमुना के पानी में क्यों खड़ा रहा? ब्रह्मदत्त रात भर पानी में इसलिए खड़ा था क्योंकि इनाम के लालच में ब्रह्मदत्त रात भर यमुना के पानी में खड़ा रहा। अकबर ने ब्रह्मदत्त को इनाम देने से क्यों मना कर दिया? अकबर ने ब्रह्मदत्त को इनाम देने से इसलिए मना कर दिया, उसको ये लगा कि मेरे महल में जो दीपक जल रहा है उसकी गर्मी के कारण ये यमुना के पानी में खड़ा रहा, इसको इसीलिए ठंड नहीं लगी है। बीरबल ने हांडी को आग से क्यों लटकाया? बीरबल ने हांडी को आग से दूर इसलिए लटकाया जिससे अकबर को, बादशाह अकबर को ये समझ में आ जाए कि जैसे इतनी दूर ऊपर खिचड़ी है और नीचे आग इतनी दूर है, तो आग कैसे, आग से कैसे खिचड़ी पकेगी क्योंकि इतना ज़्यादा दूर है। तो इस तरह आपके महल में दीपक जो जल रहा है उसकी गर्मी ब्रह्मदत्त से के पास कैसे आ सकती है, इतनी दूर कैसे आ सकते हैं? जिस तरह इतनी दूर आग से इतनी दूर ऊपर खिचड़ी है वो नहीं पक सकती, ऐसे ही इतनी दूर आपके महल में जो दीपक जल रहा है उसकी गर्मी ब्रह्मदत्त तक कैसे पहुँचेगी? तो यह गलती बताने के लिए, उनको ये सिखाने के लिए कि आप यहाँ पर गलत हैं, इसलिए बीरबल ने हांडी को आग से लटकाया और उनको उनकी गलती का एहसास दिलाया। बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? मैं आशा करती हूँ ये रोचक पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।